और हमने इस बात को स्पष्ट कहा था कि देखिए राम मंदिर की 22 तारीख का दिन होगा, हिंदू एक होगा और उसके बाद गठबंधन टूटेगा। ये बिल्कुल क्लियर मैंने कहा था, आप किसी भी प्रोग्राम में उठा के देखिएगा। इसके पीछे ये नहीं था कि कोई मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ या मैंने कोई ज्योतिष पढ़ लिया या क्या कर लिया। इसके पीछे सीधा सा कारण यह था कि समय अनुसार लहर की तरफ ये लोग निकल जाएंगे। राम अपना फायदा देखें, देश के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं था इन लोगों का। इन्होंने देखा कि राम मंदिर की लहर इस प्रकार से चली है तो अब बीजेपी को हटाना बड़ा मुश्किल है। इधर से प्रधानमंत्री ने कहा 370 और 400 पार एनडीए, तो ये कहीं ना कहीं उनका विश्वास भी था। और इतनी बड़ी टीम वो लगा के रखते हैं, सर्वे की उनकी टीम है, कहीं ना कहीं उनकी ये बातें 370 नहीं होंगी, मैं तो बोलता हूँ 350 होंगी, तो भी सरकार उन्हीं की है।